और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को बहुप्रतीक्षित किसान मेले की घोषणा करते हुए बताया कि 24 से 26 फरवरी 2024 तक पूसा समस्तीपुर में विश्वविद्यालय परिसर में किसान मेला आयोजित होने वाला है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पुण्यवर्त शिवलिंदु पांडे के सम्मिलित मार्गदर्शन में आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य एक व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना और कृषि नवाचार को बढ़ावा देना है। 24 फरवरी कृषि में सभी हितधारकों की भलाई सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हुए खाद और पोषण सुरक्षा का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में डाकघर, बैंकों और जिला न्याय कार्यालय जैसे संस्थानों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे, जो कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित उनकी सेवाओं और गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। हमारे विश्वविद्यालय के जो अधिकारी डिजिटल एग्रीकल्चर, जैसा अभी मैंने बताया कि पूरे उत्तर भारत को लीड लेने के लिए विश्वविद्यालय कृत संकल्प है, और इस लीड में विश्वविद्यालय में डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर में ड्रोन है, ड्रोन एक ऐसा माध्यम है जिससे लागत कम किया जा सकता है, तो ड्रोन ट्रेनिंग जो हमारे पायलट निकलते हैं तो ड्रोन की ट्रेनिंग किसानों को दिया जाएगा, और उसमें ऑलरेडी हमारे 81 हम जो ऐसे जो हमारे किसान उसमें हैं, उसमें बहुत सारे उद्यमी, मतलब कि उद्यमी इन द सेंस की वो छोटे लेवल के उद्यमी हैं, किसान ही हैं वो, उन लोगों को इस तरह से हमने 81 लोगों को दिया है। उसमें 33 महिलाएं हैं, और वो 33 महिलाएं सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप से आई हुई हैं, और वो नमो ड्रोन देवी दीदी जो हमारी ड्रोन की पायलट की ट्रेनिंग ली, आपने कई लोगों ने देखा, वो ऐसे हैं, वो इतने, मतलब उनका मैं देख करके दंग रह गया कि उन लोगों को ड्रोन के बारे में इतना ज्ञान हो गया उतने 10 दिन की ट्रेनिंग में। तो ये आकर्षण का एक केंद्र होगा हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर।